What difference India between India? Please give this and into. ये मथुरा का बाबा बोल के जा रहा है। ये दिखाएंगे ये। सारण बच चुका और भाई हमें अंदर जाना पड़ेगा। भैया अभी का जो सीन है वो ये है कि हम अभी है गोरखपुर स्टेशन और भाई हमें यहाँ से जाना है गुजरात। और भाई जो अभी का मतलब मेरा सिचुएशन है, टिकट वाला हुआ है भाई जनरल का। और जनरल में तो पता है इंडियन रेलवे में मतलब कितना भीड़ रहता है जनरल में भाई। तो अभी ऐसे तैसे करके हम जाने वाले हैं। तो भाई इस ब्लॉग को पूरा लास्ट तक देखिए। वैसे भाई जो हमारी ट्रेन नंबर है वो हुआ है 1308 अवध एक्सप्रेस। और भैया अभी हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। और भाई थोड़ा सा लेट हो गया है, अभी 5 मिनट बाद ही ट्रेन आने वाली है और 2-3 मिनट डिले है ट्रेन। तो भैया वैसे तो हम पहुंच गए हैं और हमें जाना है प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे। तो अभी चलिए अंदर चलते हैं भाई। भाई हम फाइनली ट्रेन में आ चुके हैं। एंड देन भाई कुछ सीन इस टाइप का है जनरल का, पूरी तरह से देखिए कितना भीड़ है भाई, कहीं सांस लेने तक की जगह नहीं है। तो भाई जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा ही हुआ। और भाई खड़ा होकर जनरल में जाना पड़ रहा है। चालू का जो मतलब टिकट है भाई वैसे तैसे मिला और लेट हो भी गए थे हम। और फिर भाई जब ट्रेन में आए तो भाई खड़ा ही होकर जाना पड़ रहा है। अभी आगे जाके सीट वोट मिल जाए तो बैठेंगे। वैसे बैठेंगे तो भाई ब्लॉग नहीं अच्छा शूट हो पाएगा, तो भाई बैठना शायद मुश्किल है। दारू पिक साहिब नहीं जाना चाहिए, दारू पिक साहिब सफ़र नहीं करना चाहिए। व्हाट इज डिफरेंस इंडिया बिटवीन इंडिया? प्लीज गिव दिस एंड into पूछिए व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंडिया पाडिया का। व्हाट इज डिफरेंस इंडिया बिटवीन इंडिया? प्लीज गिव मी दिस आंसर इनटू एग्जांपल। क्वेश्चन है आपका, नहीं समझ में आया हमको भैया। चर्चा बोलेगी अरे यार देखा हमने सिखा रहे बाबू, यही वाला देंगे हम, यही वाला टिकट। ओ बड़े भाई तो भाई अभी का जो सीन है वो ये है कि थोड़ी देर बाद लखनऊ पहुंचेगी ट्रेन। वहाँ पे जाके ये पूरा खाली होने वाला है और वहाँ पे हमें सीट मिलेगा भाई। वहाँ सीट मिला तो फिर छोड़ना तो नामुमकिन है। वैसे भाई मज़ा सा आ रहा है जो भी है। और भाई अभी आगे का जो सीन होने वाला है वो और भी बेहतरीन होने वाला है। पूरा लास्ट तक देखिए। वैसे यहाँ पर कुछ अगल बगल बंटी बबली वाले भी हैं। जनरल में तो भाई कोई भी रह सकता है। इसका ये दुआ है बाबा, ये मथुरा का बाबा बोल के जा रहा है। सुबह के वक्त में जो दान करेगा माता बहन भाई उसका भंडारा भरा रहेगा। कौन सा इसी में सब बिल्कुल नहीं। और भाई अभी हम आगरा फोर्ट पहुंचे हैं, आगरा फोर्ट। और भाई ये जो फर्स्ट बोगी के बाद सेकेंड बोगी पर हम बैठे हैं। और भाई अभी यहाँ पे 10 मिनट इतने देरी बाद ये ट्रेन 10 मिनट तक यहाँ पे रुकेगी। यहाँ का 10 मिनट स्टॉपेज है इसका, उसके बाद से ये फिर चल देगी। वैसे भाई इस ब्लॉग को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला। और यहाँ पे कुछ सामान वगैरह लोड हो रहा है। और भाई ये आगरा फोर्ट है। और भाई आगे तो भैया फाइनली यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेन रुकी और थोड़ा सा भाई हमें मतलब घूमने का मौका मिला। ये वैसे तो अवध एक्सप्रेस हर एक स्टेशन पे रुकती है, लेकिन भाई यार जो सीन है इसका मतलब ज़्यादा देर तक नहीं रुकती है ये ट्रेन। और देखिए फिर सारण बज चुका और भाई हमें अंदर जाना पड़ेगा। और अब निकलते हैं। भाई अगर आप ब्लॉग शूट करते हो और ट्रेन में बैठे हो तो भाई अगर आपको विंडो सीट ना मिले तो कुछ मतलब मन में कुछ अलग सा ही होता है। और भाई मुझे इतने देर बाद मतलब 12 घंटे बाद भाई विंडो सीट मिल गई फाइनली। अब भाई विंडो सीट मिल गई यार। चालू में आपको मतलब जनरल में आप रेलवे वो भी इंडियन रेलवे में सफ़र कर रहे हो और जनरल में आपको विंडो सीट मिल जाए, सोने को मिल जाए, बहुत बड़ी बात होती है भाई। बहुत खुशकिस्मत हो आप। और भाई शायद तक मैं हूँ, मुझे विंडो सीट मिल गई। और जहाँ से मतलब एकदम मस्त सीन देखने वाला था वहीं से भाई विंडो सीट मिली ऐसे तैसे करके। और थैंक्स टू इन लोगों का भाई, ये लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए मुझे। ये लोग भैया लोग, इन लोगों की वजह से भाई मतलब मैं सही सलामत आराम से ब्लॉग भी शूट कर ले रहा हूँ, बैठ भी जा रहा हूँ, सो भी लिया। और भाई आँख को भी देखिए चढ़ी चढ़ी ही होगी मेरी, मतलब सोने की वजह से भी सो उठाऊँ। और भाई ये इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि इधर से लाइट जो आ रहा है वो सीधे मतलब उनकी कैमरे पा रहा है भाई। अभी चलिए अभी बाहर का सीन कुछ बेहतरीन है तो उसे दिखाते हैं। वैसे वॉइस जो है उसे इग्नोर कीजिएगा क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा नॉइस है, इस वजह से मैं इसको बंद किया हूँ अभी। फिर मतलब खिड़की का जो दरवाज़ा है मतलब जो ये होता है मिरर उसे बंद किया हूँ अभी, फिर जा रहा हूँ उसे चालू करने। तो भाई इस ब्लॉग को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। भाई ये लखीरी है, देख सकते हैं, भी राजस्थान का ही एक जगह है लखीरी। और भाई ये वाला धूप तो मतलब गर्मी में ही मिलता है भाई, जिस तरह से इस टाइम धूप हुआ है यहाँ पे। और भाई ये धूप हम लोग को गर्मी में यूपी में आता है, हम लोग यूपी में जो गर्मी में ये धूप आता है, और राजस्थान में भाई मतलब ठंडी में उस टाइप का धूप है। तो गर्मी में क्या होता होगा मुझे नहीं पता भैया। भैया चाय मतलब यहाँ का, ये देखिए भैया आए वाई कर रहे हैं, ये साथ के ही हैं, जब से हम आए हैं तब से हमसे मिले हैं। अरे साथ दे रहे भाई हम हैं। भैया एक चीज़ तो समझ में आ गया भाई यहाँ पे मतलब आके, भाई अपने यूपी में इतना ज़्यादा ठंडी है, यहाँ पर भाई धूप एक नंबर है। आप यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी सकते हैं आराम से। भाई चारों तरफ धूप ही धूप, मतलब राजस्थान है ये भाई। अभी राजस्थान में मतलब धूप रहता ही है लेकिन बहुत ही बेहतरीन मौसम है यहाँ का भाई इस टाइम का जो है। और इतने दिन बाद भाई थोड़ा सा रिलैक्स फील किया भाई, इतनी ठंडी से परेशान थे हम भी। कोटा स्टेशन पहुंच चुके हैं, कोटा जो कि राजस्थान का लास्ट स्टेशन है कोटा। और भाई यहाँ से अभी गुजरात में एंट्री करने वाले हैं कुछ देरी बाद, और भाई वहाँ हमारी लाइट खत्म हो जाएगी। वैसे भाई यार ये जो कोटा का स्टेशन है ये भी बहुत ही बेहतरीन है। वैसे ये ट्रेन पर अपना सफर ही बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि आवाज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है आपका ज़्यादा होगा ठीक है ट्रेन हमारी। एंड देन भाई कोटा का जो बहुत ही मशहूर अंडा कड़ी वो हम खाने जा रहे हैं अब। वैसे भाई यहाँ का ये अंडा कड़ी बहुत ही मतलब फेमस है, मैं सुना भी हूँ और बहुत ज़्यादा यहाँ मिल रहा था तो सोचा क्यों ना यही खा के ट्राई किया जाए। भाई जो ट्रेन होती है उसका भाई विंडो ही नहीं मस्त होता, उसका गेट भी बहुत ही बेहतरीन होता है। और जब विंडो से भाई सीन इतना टॉप दिखता है तो गेट से सोचिए कितना बेहतरीन दिखता होगा। और भाई हम गेट पे हैं, थोड़ा सा मज़ा मस्ती कर रहे हैं। वैसे बाहर का पूरी तरह से मिली हुई है। कौन सा चाय है ये? आ गया ये पतंती चाय वाला आ गया, पतंती चाय वाला। ये डब्बा खाली करवा के निकलो सबको मार। ये चलो भाई फाइनली हम गोरखपुर से गुजरात यानी अंकलेश्वर पहुंच गए। और भाई ये जो डेस्टिनेशन था मतलब ट्रैवलिंग था ये बहुत ही गजब था भाई, मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आया इसमें। और आप लोग को ब्लॉग शायद तक अच्छा लगा होगा पूरा, लाइक जरूर कीजिए।